तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ सुबह के 5 बजे। हाँ, अभी सुबह के 5 बज रहे और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूँ। बेसिकली मैं ऐसे शाम में निकलता था 6 बजे घूमने और वापस घर आता था 8 बजे, लेकिन अब ट्राई कर रहा हूँ कि सुबह भी जाने का। तो अभी सुबह के 5 बज रहे और मेरा प्लान है यहाँ से इको पार्क जाने का, तो देखते हैं वो मैं जा पाता हूँ। तो यहाँ से अगर इको पार्क की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर है, तो देखते कितना टाइम लगता है मेरे को पहुँचने में। ओके, सो मेरे को घर से निकले भी 1 घंटा हो गया और मैं 5.3 किलोमीटर चल चुका हूँ और अभी भी इको पार्क नहीं पहुँचा हूँ। ये मैं अभी कौन भवन था यार, एल सी नाम था, ललित भवन शायद, उससे अभी क्रॉस लिया हूँ और यहाँ से शॉर्टकट लेके मैं सोचा हूँ जाने का इको पार्क। तो देखते हैं। ओके, तो ये रहा इको पार्क और अभी 6:16 हो रहा है, यानी मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा। मैं घर से निकलते निकलते 5:15 हो ही गया था। अब देखता हूँ अंदर जाता हूँ नहीं, क्योंकि देखो धूप बहुत है। अब यहाँ से मेरे को डिसाइड करना कि मैं अंदर जाऊँ या बाहर से आ जाऊँ, क्योंकि बहुत गंदा धूप है और मेरे को घर पहुँचने में भी 1 घंटा लगेगा। तो देखते हैं मैं क्या डिसाइड करता हूँ। भाई साहब, सुबह सुबह पाँच बजे भी निकलो तो देखो ये हाल। ओहो, तो मैं घर आ गया हूँ, ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर चला। और घर आने के बाद मेरे को हर दिन ज़बरदस्ती कोकोनट वाटर पिलाया जाता है, मेरे को मन नहीं करता लेकिन ज़बरदस्ती। सच बताओ, तुमको लगता नहीं है नारियल पानी कोई लगता नॉर्मल पानी पिया है और थूक दिया है, वही टेस्ट आता है? नो कमेंट्स। तो बेसिकली आज नेक्स्ट डे है, कल मैंने जितना भी रिकॉर्ड किया उसके बाद मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं अपना घर आ गया था, सब चीज़ हो गया था, उसके बाद जो मेरा नॉर्मल रूटीन होता है मैं अपना सारा काम 12 बजे तक ख़त्म कर लिया। उसके बाद मैं सोने चला गया और मैं उठाऊँ, मैं 2 बजे के आसपास जो सोने गया मैं उठाऊँ 6 बजे, क्योंकि सुबह 5 बजे उठाऊँ नींद पूरा हुआ नहीं था, तो मैं उठाऊँ 6 बजे। उसके बाद मैं फिर चला गया घूमने और 8 किलोमीटर फिर घूम के आया, तो कल टोटल मैं 21 किलोमीटर घूमा हूँ। तुम लोग इंस्टा पर फॉलो कर जाओगे तो मैंने स्टोरी लगाया था, वरना मैं यहाँ पोस्ट कर देता हूँ। तो हाँ, वो सब हुआ, रात में आया हूँ, आराम किया हूँ, खाया पिया और फिर कल मैं जल्दी सोने चला गया। और उसके बाद आज सुबह जब से मैं उठा हूँ मेरे पीठ के पीछे इतना गंदा दर्द हो रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा गंदा दर्द हो रहा है। और मेरे को शाम में फिर जाना है घूमने, तो अभी मैं सो ही के उठा हूँ। बेसिकली मेरा दिन भर का रूटीन यही रहता है और अभी आया हूँ अमूल कूल इलायची फ्लेवर पीने। अगर मेरा किसी से लड़ाई हो तुमको गिल्ट फील हो, क्योंकि तुम्हें ही कहोगा मुझे नहीं होगा क्योंकि तुम गलत थे, तो ये तुम मेरे को भेज सकते हो, मैं माफ़ कर दूँगा। तो अभी 3 बजे, देखते आज क्या करता हूँ, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस देखते। देख लो, मिरर सेल्फी लेने से पहले ऐसे बैठ के तुमको मिरर साफ करना पड़ता है, क्या लग गया यार इसमें साफ ही नहीं हो रहा, इसको बैठ के रुको अच्छे से इसको साफ करता हूँ फिर वीडियो बनाऊँगा। तो आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, जब भी मेरे को बाहर जाना रहता है तो मेरा बाल एकदम सेट नहीं होता, एकदम ख़राब होता है। और आज जब मेरे को मतलब ऐसे कहीं बाहर नहीं जाना, शाम में जाना वॉक पे, लेकिन मैं लास्ट 2-3 दिन से देख रहा हूँ मेरा बाल जो सेट हो जाता है एकदम अच्छे से, एकदम सेट हो जा रहा है। और मेरे को इतना इससे ही मेरा मूड अच्छा हो जा रहा है कि मेरा बाल सेट हो जा रहा है। उसके अलावा मैं बताता हूँ, मेरा उम्र हो रहा है, मेरा यहाँ पे मूछ यहाँ पे गोल्डन हो रहा है, यहाँ बाल उजला हो रहा है, भाई साहब उम्र हो रहा मेरा, मैं बुढ़ा रहा हूँ। भैया कभी कभी लगता है नेल पॉलिश लगाया हुआ, ये वोट वाला अभी तक है तो यहाँ पे भी था, ये तो हट गया लेकिन बस इतना बचा, तो लगता है कि मैं नेल पॉलिश लगाया हुआ। ओके, सो
बेसिकली देखो ये जो वीडियो है ये पूरा एक दिन मैं रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, ये मतलब एक दिन कुछ रिकॉर्ड किया, दूसरे दिन कुछ रिकॉर्ड किया, और आज तीसरे दिन मैं फिर से कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ। बिजी क्या, मैं आलसी बहुत हूँ, बहुत बड़ा आलसी हूँ। मतलब मैं अगर तुम्हारे शहर भी आऊँगा तुमसे मिलने नहीं, मतलब मैं तुम्हारे शहर भी आऊँगा मैं तुमको कभी फ़ोन करके नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे तुमसे फिर मिलने आना पड़ेगा, इतना बड़ा आलसी हूँ मैं। तो इसलिए ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो बेसिकली क्या है कि आज, क्योंकि देखो रात में मेरे को टाइम नहीं मिल पाता वीडियो रिकॉर्ड करने का, वीडियो मेरे को बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करना, तो अभी दोपहर के 2 बज रहे और इतना गर्मी में मैं दूसरे रूम में आया हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और साथ ही साथ मुझे मेरे अपने फ़ोन का देखना है कि अभी ये फ़ोन 48% पे है, और मेरे को पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करना है, उसके अलावा एक और वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो देखना है कि मैं कितना इसका बैटरी चल सकता है, क्योंकि रूम में थोड़ा ये होता है वीडियो, और अभी पहली बार 4K में ट्राई कर रहा हूँ, तो बहुत अलग अलग चीज़ है। तो तुम लोगों को कभी मैं बताया नहीं हुआ एक चीज़ को, इसको पहले मैं कहीं सेट करता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ दर्द हो रहा है। तो मैं मार्च तक था भुवनेश्वर में, तो जब मैं 28 मार्च को पटना आया, तो बेसिकली जो भी ये रूम है ये बेसिकली मेरा रूम नहीं था, ये मेरी दीदी का रूम था। तो क्या हुआ कि जब मैं आया तो मेरे को लगा यार नहीं मेरा रूम ठीक है जो भी है, मेरे को अब ये रूम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आराम से टेबल वेबल सेट करके मैं थोड़ा सा इसको एक ऑफिस टाइप का बना सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने दीदी को बोला जाओ मेरा रूम ले लो, मेरे को ये दे दो कुछ महीने के लिए, कुछ महीने का बाद मैं ये रूम में रहना चाहूँगा। तो इस रूम में क्या है कि यहाँ पे जैसे अभी मैं टेबल पे हूँ, जो साइड में बेड है मैं उस पर पैर भी आराम से रख सकता हूँ अगर थक गया। तो ये थोड़ा सा इसको मैं ऑफिस टाइप का इसको बनाने का ट्राई किया हूँ। बहुत चीज़ अभी इस रूम में है भी जो दीदी का है, जो मैं हटाया नहीं हूँ, क्योंकि मेरा हिम्मत नहीं हो रहा। अगर मैं हटा दूँगा बहुत घंटा मैं मार खा सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। तो ये तो मेरे घर के बाहर का हो गया। तो बेसिकली ये ऐसा जगह है कि समझो कहीं भी किसी का लड़ाई हो रहा है तो वो मैं सुन सकता हूँ आराम से। उसके जस्ट बगल में ये मेरा क्या कहते इसको टेबल हो गया, जिसके अगर यहाँ पे देखो तो बहुत सारा मेरा पुराना फ़ोटो दिखेगा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, बहुत सब मिलेगा। ऊपर से यहाँ पे मैंने किए लगाया हुआ, फिर एक मेसी का वर्ल्ड कप करके ये एक फ़ोटो मैंने प्रिंट करके यहाँ लगाया हुआ। उसके बाद देखो इसके बाद ये भाई साहब स्टारबक का पता नहीं क्यों रखा हुआ हूँ, कुछ एक मीनिंग है। जब मैं पहली बार स्टारबक किया था तो ठीक है कुछ मीनिंग है इसका। ओके तो ये है वो दीदी का पोस्टर जो मैं हटा नहीं सकता हूँ। बेसिकली इसको मैंने यहाँ से देखो निकाल दिया था, लेकिन फिर मैं डांट सुन सकता हूँ। एक ये भी रखा हुआ, पता नहीं ये सब क्या मैं करूँगा, बस लगा हुआ मेरे को पता है फ़र्क नहीं पड़ता। इस चक्कर में मैं ये नहीं लगा पाया कभी ये पोस्टर। उसके बाद मेरे पास ये मुंबई इंडियंस का फ्लैग है। बेसिकली क्या हुआ, मैं एक दिन कुछ काम कर रहा था और मेरे को यहाँ पे लगाना था, देखो मैं क्या कर दिया। तो इसको छुपाने के लिए मैंने क्या सोचा था, ओके तो यहाँ पे वो है। तो इसको छुपाने के लिए मैंने क्या सोचा था कि अगर मैं इसे ऐसे यहाँ लगा दूँ तो ये मेरे वीडियो में पीछे जाएगा, क्योंकि तुम देख सकते हो मैं कितना बड़ा मुंबई इंडियंस का फ़ैन हूँ और मेस्सी का फ़ैन हूँ, पीएसजी नहीं मेस्सी। क्योंकि मेरे को लगता है ना, क्योंकि मेरे को लगता है तुम अपनी, क्योंकि एक कोट है बहुत फेमस कोट है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड चेंज कर सकते हो, तुम अपना घर चेंज कर सकते हो, लेकिन तुम कभी अपना फेवरेट क्लब नहीं चेंज कर सकते हो। ये बात सही है। और अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ मेरे पापा आ गए, तो थोड़ा देर के लिए वीडियो बनाना पॉज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये एक छोटा सा बताए डे इन अ लाइफ मान लो, इसको मैं तुम लोग को दिखाना चाहता था कि बेसिक कितना मैं बड़ा वेल्ला इंसान हूँ, तो इसको नाम भी यही दूंगा डे इन अ लाइफ इन अ लेजी पर्सन करके। उसके अलावा अगला जो वीडियो आएगा वो होगा तुम लोग का, जो अगला वीडियो मतलब 1-2 दिन ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसमें होगा तुम्हारा जो क्वेश्चन है उनके आंसर, या पहले वही अपलोड कर दूंगा। तो मिलते अगले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फेस पे कुछ ज़्यादा ही आजकल पिंपल्स हो रहे। तो क्या बोल रहा था, हाँ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।